उत्तराखंड के सम्मानित भाइयों बहनों, राज्य में कोविड-19 के संबंध में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन कराया गया तो संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में कुछ तथ्य सामने आए हैं। मैं इन तथ्यों को आपसे साझा करना चाहता हूं। यह पाया गया है कि अधिकतर मृत्यु उन नागरिकों की हुई है जिनकी आयु 50 साल से अधिक थी। अधिकांश पहले से कुछ अन्य लंबी बीमारियों जैसे मधुमेह, रक्तचाप, कैंसर इत्यादि बीमारियों से ग्रसित थे। अधिकतर मृत्यु उन नागरिकों की हुई है जो कि कोविड के लक्षणों से ग्रसित थे, परंतु ना ही उन्होंने अपना टेस्ट करवाया और ना ही चिकित्सक से राय ली। कुछ गर्भवती महिलाएं जिनमें कोविड के लक्षण होने के बाद भी समय पर चिकित्सालय उपचार हेतु नहीं गई। कुछ कोविड रोगी जिन्हें कोई भी लक्षण नहीं है तथा वह बताए गए तरीके से दवाओं का सेवन नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में कभी भी बीमारी भयानक रूप लेती है तथा चिकित्सा प्रभावहीन हो जाती है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि 50 साल की उम्र से अधिक के व्यक्ति, खासकर जब वह पहले से ही मधुमेह, रक्तचाप, कैंसर या अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, अपने उपचार पर विशेष ध्यान दें। कोविड के लक्षण महसूस होते ही तुरंत चिकित्सालय में फ्लू क्लिनिक में अपने जांच करवाएं तथा आवश्यक होने पर घर के अन्य सदस्यों की भी जांच कराएं। कोविड के लक्षण महसूस होते ही गर्भवती महिलाएं तुरंत ही चिकित्सालय में अपनी जांच करवाएं। हर जान मूल्यवान है, कृपया सरकार का सहयोग कर कोविड रोग द्वारा मृत्यु पर रोक लगाने में अपनी भागीदारी करें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मास्क पहनें, दूरी बनाए रखें और हाथों को बार बार धोएं या सैनिटाइज करें। धन्यवाद।